और सीएम योगी आदित्यनाथ की माफियाओं को खुली चेतावनी है, सीधी वार्निंग है। मऊ से योगी की अपराधियों को वार्निंग सामने आई है, वो कहते हैं कि पाताल से भी अपराधियों को ढूंढ निकालेंगे। देखिए सीएम योगी अब लगातार सख्त कार्रवाई भी कर रहे हैं और अब तो चेतावनी भी दे दी है माफियाओं को कि आप अगर कुछ गलत करते हैं तो आपको पाताल से भी ढूंढ कर निकाला जाएगा और कार्रवाई आपके ऊपर की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये खुली चेतावनी जारी कर दी गई है। मऊ से योगी की अपराधियों को ये वार्निंग है, तो सीएम योगी की माफियाओं को चेतावनी और लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। क्राइम के खिलाफ योगी का ऐलान जंग, रहो चाहे पाताल में ढूंढ लाएंगे हर हाल में, निपट जाएंगे माफिया जब चलेगा बुलडोजर। साल 2017 में जब से यूपी की कमान योगी आदित्यनाथ ने संभाली है तभी से अपराधी खौफ में जी रहे हैं। कोई भी गैंगस्टर माफिया क्राइम करने से पहले 100 बार सोचता है, नहीं तो सरकार का बुलडोजर उन्हें नहीं छोड़ता। 5 साल तक यूपी के बदमाश पनाह मांगते फिरते रहे क्योंकि प्रशासन की सख्ती से आज कई बदमाश जेल की हवा खाने को मजबूर हैं। यूपी में दोबारा बीजेपी की सरकार आने के बाद योगी की जीरो टॉलरेंस नीति कायम है और इसी तरह अपराधियों का जीना दुर्भर करती रही। सीएम योगी ने मऊ की धरती से एक बार फिर क्राइम की कुंडली वाले माफिया बदमाशों को सख्त लहजे में चेता दिया है। योगी ने ऐलान किया है कि धरती तो धरती, बदमाश पाताल में भी नहीं बच सकेंगे। इसी के साथ सीएम योगी ने बाहुबलियों को भी वार्निंग दे डाली है, अगर कानून के काम में खलल डाली गई तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। वैसे भी मुख्तार अंसारी और आतिक अहमद जैसे बाहुबलियों के ठिकानों को योगी सरकार ने बुलडोजर से रौंदा है। इन लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी संपत्ति बनाने और हवेलियों को बनाने में लगाया, विकास के लिए आने वाले पैसे को चक्कर डालते थे, गरीब के लिए आने वाले पैसे को चक्कर डालते थे और स्वयं के परिवार के लिए, स्वयं के लिए उस संपत्ति को हड़पने का पाप जो किया है आज उसी पाप की भरपाई उनसे और उनके खानदान से सरकार करवा रही है। में लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है, ऐसे में योगी ने एक बार फिर अपराधियों को चेता दिया है कि अगर यूपी में रहना है तो कानून के हिसाब से चलना है, नहीं तो खुली हवा में सांस लेना दुर्भर हो